आदरणीय बंधुओं, माताओं वे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में वैशाख महत्तम का 26वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से संपूर्ण तीर्थ करने जितना फल प्राप्त होता है, रोग और पीड़ाओं का नाश होता है। महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। मिथिलापति श्रुतदेव जी से पूछने लगे कि हे ऋषि देव, वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्यकारक हैं, उनमें क्या क्या दान करना चाहिए और किसने इनको प्रख्यात किया है। तब श्रुतदेव जी कहने लगे कि वैशाख मास की सब तिथियां ही अत्यंत उत्तम हैं। प्रत्येक तिथि में किया गया दान कई गुना फल देने वाला है। संपूर्ण तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है, वैसा ही फल एक एक तिथि में स्नान, दान, तप, होम, भगवत कथाओं के श्रवण, पूजन आदि से प्राप्त होता है। कथा श्रवण करने से तत्काल मुक्ति मिलती है। रोगी तथा पीड़ित भी इस कथा के श्रवण से कृत कृत्य हो जाते हैं। जो कोई बिना स्नान दान इन दिनों को व्यतीत करता है, उसको गोवध, कृतघन, पितृघाती तथा आत्मघात करने जितना पाप लगता है। जल स्वाधीन है और शरीर भी स्वाधीन है, फिर स्नान में संकोच क्यों किया जाए। दरिद्री, धनवान, लंगड़ा, अंधा, नपुंसक, विधवा स्त्री, बालक, वृद्ध, युवा सभी को वैशाख मास का सेवन करना चाहिए। वैशाख धर्म सुख से साधने के योग्य है, जिससे अधिक और कुछ भी शुभ नहीं है। जो कोई नीच इन सुलभ धर्मों का पालन नहीं करता, उनको नरक का भागी होना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऋषि बोले, जैसे दही को मत कर मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही इस मास की तिथियों को अलग अलग बताता हूँ। चैत्र के महीने से जब मेष की संक्रांति हो, तब पापों के नाश करने वाली अमावस्या को कई गया जी करने का फल मिलता है। मैं नरक और पितरों का एक पुराना इतिहास तुमसे कहता हूँ, सुनो। जब पृथ्वी में सर्वाणी मन्वंतर का राज्य था, 30वें कलयुग के अंत में जब सारे धर्म नष्ट हो गए, उस समय अनर्थ देश में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण हुआ। उसने इस घोर कलयुग में मनुष्यों को पापों में रत देखा। सब मनुष्य अपने वर्ण धर्मों से हीन हो गए। तब एक दिन वह ब्राह्मण महात्माओं के सत्र यज्ञ देखने के लिए पुष्कर क्षेत्र गया। वहां पर ऋषि मुनि शास्त्र अनुकूल पुण्य कथाओं का वर्णन कर रहे थे। कोई कोई कलयुग की भी प्रशंसा कर रहे थे। वे कहते थे कि सतयुग में भगवान एक वर्ष की तपस्या से प्रसन्न होते हैं, तो त्रेता में एक मास और द्वापर में एक पक्ष में, परंतु कलयुग में उससे 10 गुना फल भगवान के स्मरण मात्र से ही हो जाता है। कलयुग में थोड़ा सा पुण्य कर्म भी अधिक फल देता है। जो दया, पुण्य, दान, धर्म आदि कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए केवल हरि नाम उच्चारण करना ही अति उत्तम है। जो अकाल में अन्न दान करते हैं, वे वैकुंठ को जाते हैं। वहां पर जब यह प्रसंग
हो ही रहा था तो नारद ऋषि एक हाथ से इंद्रिय और दूसरे हाथ से जिह्वा को पकड़कर उन्मत्त की तरह खूब हंसने व नाचने लगे। सब ने आश्चर्य से पूछा कि नारद जी इसका क्या कारण है। तब नारद जी ने उसी अवस्था में उत्तर दिया कि निसंदेह कलयुग प्रशंसनीय है, क्योंकि इसमें केशव भगवान स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तब भी मैं तुमसे कहता हूँ कि इंद्रिय और जीभा को वश में करना अति कठिन है। जिसने इन दोनों को वश में कर लिया वह साक्षात जनार्दन के ही तुल्य है। अतः इस कलयुग के आगमन पर तुम्हारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं, सो पाखंड में भूमि को त्याग कर अन्यंत्र तुम्हें कहीं और जाकर विचरना चाहिए। वह सब मुनि ऐसे वचन सुनकर यज्ञ समाप्त कर कहीं अन्यंत्र पर्वतों पर चले गए। धर्म वर्ण भी यह सुन नैष्ठिक ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर छाल के वस्त्र पहन कमंडल हाथ में ले जटा बढ़ाकर कलयुग के अनाचारों को देखने लगे कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में लगी हुई है। ब्राह्मण सन्यासी और शूद्र सभी पाखंडी हो गए हैं। पत्नी पति से विरोध करती है, पुत्र पिता से, सेवक स्वामी से और गुरु शिष्य से द्वेष कर रहे हैं। सब ब्राह्मण शूद्रवत हो गए हैं, वेद कहानी मात्र रह गए हैं। वेद विरुद्ध कर्म करना साधारण बात हो गई है। भूत पिशाच प्रेत आदि की सब पूजा करते हैं। संपूर्ण मनुष्य कुकर्मों में लगे हुए हैं, कुकर्मों में प्राण तक त्याग देते हैं, झूठी गवाही देते हैं, मन में कपट रखते हैं। इति वैशाख महत्तम 26वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधु भगवान श्री हरि की कृपा आप वे आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।